मिथुन राशि वाले भगवान गणेश की प्रतिमा की पूजा कैसे करें। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं या फिर अपने जीवन में कोई शुभ कार्य करने की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें गणेश भगवान की पूजा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। यदि आपकी राशि मिथुन राशि है तो आप गणेश भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी प्रतिमा की पूजा करें। आप ऐसी तस्वीर लीजिए जिसमें माता लक्ष्मी और भगवान गणेश एक साथ हों। उस प्रतिमा की पूजा करने से आप जो उस कार्य के लिए प्रयत्न कर रहे हैं या फिर जो कार्य आपका बिगड़ा हुआ है, जिसे संभालने के चक्कर में लगे हुए हैं, तो इसमें आप उस प्रतिमा की पूजा करें और साथ के साथ ओम गण गणपताय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। यह मंत्र का उच्चारण आपको 108 बार करना है। यदि आपको जीवन में कुछ पाना है तो अपनी नींद को खोना होगा। यदि आप चाहते हैं कि अपने जीवन में हमेशा आपको सफलता मिले, साथ के साथ भगवान का आशीर्वाद भी मिले, तो उसके लिए ये आसान सा तरीका है। आप यदि इस मंत्र का उच्चारण 108 बार करते हैं तो भगवान गणेश भी खुश होंगे और साथ के साथ आपकी इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी। यदि मिथुन राशि वाले चाहते हैं कि उनके सारे कार्य अच्छे से बने और सभी कार्यों में कोई भी नुकसान ना हो, हमेशा प्रॉफिट मिले, तो भगवान गणेश की प्रतिमा की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। और भगवान गणेश की प्रतिमा भी साथ में माता लक्ष्मी भी होनी आवश्यक है। यदि आप ऐसी प्रतिमा की पूजा करते हैं तो आपके बिगड़े हुए कार्य भी सफल हो जाएंगे। तो ये है मिथुन राशि वाले किस मंत्र का उच्चारण करें जिससे कि उन्हें जीवन में कोई भी असफलता ना महसूस हो। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।